हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुबीर, आप देख रहे हैं टेक्निकल सुबीर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला कि दोस्तों एक मैंने वीडियो बनाई थी टॉर्च के बारे में, यानी कि दोस्तों उसके अंदर दोस्तों बहुत ही कमाल की हिडन ट्रिक थी। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर दोस्तों उसकी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो कि उस वीडियो में मैंने क्या बताया था। तो दोस्तों उस वीडियो को बनाने के बाद दोस्तों बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा है कि भाई हमने उस वीडियो के अंदर दोस्तों अपने फोटो वीडियोज या कुछ भी हो उसको हमने हाइड किया, लेकिन दोस्तों उसको हम अनहाइड नहीं कर पा रहे और जो हमारी फोटो है दोस्तों वो हमें मिल नहीं रही। तो वो इसके भी आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा डिटेल में दोस्तों आपकी फोटो क्यों नहीं मिल रही, कहां पे दोस्तों आपको फोटो मिलेंगी, किस तरीके से दोस्तों आप इस फोटो को अगर हाइड किया है तो उससे कैसे अनहाइड कर सकते हो, यही डिटेल में दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहे, चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप जल्द पहुंच सके। चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था इस टॉर्च एप्लीकेशन के बारे में, इसमें आपने अपने फोटो वीडियोस को हाइड किया था, तो मैं दोस्तों सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद यहां पे दोस्तों आपको टॉर्च के ऑप्शन पे लॉन्ग प्रेस कर देना है, उसके बाद यहां पे अपना पासवर्ड जो भी डाला होगा वो डाल के इसमें ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने जो भी अपने इमेज वगैरह को सिलेक्ट किया होगा, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कोई सा भी इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे जाके, तो इसके ऊपर मैंने प्रॉपरली दोस्तों एक वीडियो बना रखी तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। तो मैं इसमें से भी अनहाइड कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी सारी फाइल जो फोटो है वो सारी खुल के आ चुकी है, तो मैं यहाँ पे से कुछ भी एक फोटो ले, जैसे कि यहाँ पे कैप्चर में जाता हूँ, यहाँ पे मेरी सारी जो थंबनेल वगैरह है सारी यहीं पे होती है, तो मैं यहाँ पे से कुछ भी दोस्तों यहाँ पे से दो तीन थंबनेल को दोस्तों दो थंबनेल को यहाँ से ले लेता हूँ, और ऊपर आपको ताले का ऑप्शन दिख रहा होगा इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करोगे तो दोस्तों ये हो चुका है दोस्तों अब अनहाइड, तो अब मैं दोस्तों इसको बैक कर देता हूँ पूरी तरह से बैक करूँगा। अब मैं आपको दोबारा दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर जाके दिखाऊंगा, उससे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे आपको जाके दिखा देता हूँ कि जो मैंने दो थंबनेल दोस्तों लिए थे वो दो थंबनेल दोस्तों यहाँ पे आपको गैलरी के अंदर देखने को नहीं मिले, क्योंकि दोस्तों अब वो हाइड हो चुके हैं। तो यहाँ पे कैप्चर के अंदर चले जाता हूँ, तो आप देखना दोस्तों ये दोनों फोटो दोस्तों गायब हो जाएंगे अभी, तो देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों दोनों फोटो दोस्तों यहाँ से गायब हो चुके हैं, यानी कि दोस्तों वो पूरी तरह से हाइड हो चुके हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको जाता हूँ दोस्तों इसी एप्लीकेशन के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर जाने पर दोस्तों लॉन्ग प्रेस करते हैं वैसे ही, और यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, और दोस्तों फिर से अब आपको करना क्या है, अब आपको हाइड कैसे करना है, अनहाइड कैसे करना है, तो आपको इमेज पर जाना है, इसके ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है, या दोस्तों आप दोस्तों मैं दो ट्रिक बताऊँगा आपको। सबसे पहले दोस्तों इस फोटो के अंदर जैसे मैंने क्लिक किया, और आपको वहाँ पर ऊपर ताले के ऑप्शन पर क्लिक करना है दोस्तों, आपको फोटो पे लॉन्ग प्रेस करोगे तभी ये ऑप्शन आएगा, और उसके बाद दोस्तों आपको ताले के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद दोस्तों आपको नीचे लिखा होगा अनहाइड, अनहाइड पे दोस्तों आप क्लिक करना है। उससे पहले दोस्तों एक चीज़ मैं आपको हाईलाइट और दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इमेज न्यू फोल्डर यहाँ पे जो दिख रहा है, ये फोल्डर दोस्तों आपके जो गैलरी के अंदर वहाँ पे आपको फाइल के अंदर दोस्तों सेव होंगे, तो अब मैं ऐसे अनहाइड कर देता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने अनहाइड किया तो ये हो चुका है अनहाइड, यानी कि फोटो मुझे मिल जाएगा। अब मैं दोस्तों एक ट्रिक और बताता हूँ दोस्तों, अगर आपने दो बहुत सारे फोटो अगर एक साथ अनहाइड करके यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारे फोटो दिखेंगे, यानी कि दोस्तों 6-7 फोटो या उससे ज़्यादा कर रखे होंगे अनहाइड। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि आप एक एक करके तो दोस्तों इसको अनहाइड नहीं करना चाहोगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे से इस फोटो के ऊपर लॉन्ग प्रेस कीजिएगा, तो जितने भी दोस्तों आपने फोटो या वीडियो कुछ भी अगर हाइड करके रखे होंगे तो उसको अनहाइड आप एक बार में कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आपको रीनेम का ऑप्शन दिखता है, उसके बाद आपको अनहाइड का ऑप्शन दिखाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, नीचे ओके का ऑप्शन दिखेगा इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे अनहाइड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप करोगे तो ये फोटो आपको जो है हो चुका है अनहाइड हो चुका है। और दोस्तों एक चीज़ में आपको तो अगर आप गैलरी के अंदर जाओगे ना तो आपको दोस्तों वो फोटो गैलरी के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि दोस्तों आप सोच रहे हो कि भाई कैप्चर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे मुझे फोटो दिख जाएंगे, तो नहीं दोस्तों आपको यहाँ पे वो फोटो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपको वो फोटो कहाँ पे देखने को मिलेंगे, फाइल मैनेजर के अंदर, फाइल मैनेजर के अंदर जाना है आपको, फाइल के अंदर जाना है, और आपको नीचे आपको ढूंढना है वही एप्लीकेशन का नाम, जो एप्लीकेशन का नाम आपको अभी यहाँ पे दिखा हूँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे टॉर्च वॉलेट, इस एप्लीकेशन को आपको, इस एप्लीकेशन के जो फाइल है इसके अंदर आपको जाना है, और यहाँ पे इमेज का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है, न्यू फोल्डर पे आपको जाना है, और आपको दोस्तों यहाँ पे जो फोटो हमने अनहाइड की थी ये दो फोटो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, दोनों फोटो दोस्तों हमने जो अनहाइड की थी वो फोटो दोस्तों अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ इस जगह पे आप देख सकते हो, और इससे पहले भी दोस्तों मैंने कुछ ट्राई किया था तो यहाँ पे वो फोटो भी दोस्तों यहाँ पे आए, और मैंने उससे बाद न्यू फोल्डर बनाया, उसके बाद दोस्तों मैंने आपको ये सारी चीज़ें दिखाई। तो आपको दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों आप पता चल गया होगा कि अगर आपने अपने फोटो वीडियो को जो भी आपने अगर हाइड किया होगा तो उसे अनहाइड किस तरीके से करना है, तो इस तरीके दोस्तों आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि इस तरीके से दोस्तों आप दोस्तों इस टॉर्च ऐप के अंदर से दोस्तों अपने फोटो को दोस्तों अनहाइड कर सकते हो, अगर हाइड करके रखा है तो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप जल्द पहुंच सके। चले दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नेटली वीडियोज़ के साथ।